तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें रिपीट करना है तो हम कहाँ से करें, क्योंकि लोगों के लिए या कोचिंग्स के लिए ये व्यापार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का सवाल है, ये एक साल हमारी ज़िंदगी के लिए है। तो हमें कोचिंग जाते टाइम पर तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके टीचर्स, उसका स्टडी मटेरियल, उसके रेगुलर टेस्ट, इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा कि ये होते हैं उस संस्था में या नहीं होते हैं, और प्रॉपर एवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है। तो इन सारी बातों में हम देखते हैं कि हमारे एकलव्य बैच में और हमारी संस्था में क्या है। तो सारे के सारे टीचर्स बिल्कुल कोटा पैटर्न पर ट्रेंड हैं और पिछले कई सालों में कई सारे डॉक्टर बना चुके हैं। दूसरी बात, हमारा स्टडी मटेरियल वंसल के साथ साथ हमारी खुद की किताबें हैं जो हमारे डॉक्टर्स और IIDN ने बनाई हुई हैं। तीसरी बात, हमारे यहाँ डेली जो है होमवर्क चेक होगा। इस कॉन्फिडेंस पर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा जो है सिलेक्ट हो ही जाएगा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता हिल नहीं सकता, 400 से 600 प्लस जाने के लिए इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता।